हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मिक्स करण गेमिंग की और एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि फ्री फायर में एक मिस्टेक हो गई थी जिससे ये मेरा आईडी काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। तो ये था वो कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक, कुछ लोग डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से क्या होता है कि दोस्तों, मतलब जो कैरेक्टर जो शो होता है, जो यहाँ लॉबी में ये शो नहीं करता और पूरा लॉबी हैंग करता है पूरा। तो वैसे में कोई बटन्स भी काम नहीं करते हैं और तो गेम ऐसा लगता है कि गेम सस्पेंड हो गया कि क्या हो गया। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वो जो कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक में जो कैरेक्टर रहता है, जैसे आप कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक को अगर आप डाउनलोड करके रखोगे तो ही ये सब दिखाएगा, मतलब ये कैरेक्टर दिखाएगा, ये उसके कॉस्ट्यूम्स दिखाएंगे, मास्क दिखाएगा, सब दिखाएगा। लेकिन अगर आप डिलीट कर दोगे ये सोच के कि बहुत हैंग करेगा, एडिशनल पैक हो जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा, तो वैसे में क्या होगा दोस्तों, वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने एक दो दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट्यूम कलेक्शन पैक फिर से डाउनलोड किया। उसके बाद मेरा ये रिकवर हो गया फिर से और मुझे फिर पता चल गया कि ये ऐसे में ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ भी ऐसा हुआ है और मेरी वीडियो देख के आपका ये मतलब ठीक हो जाएगा तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी सलाह, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में मतलब अभी तो बहुत लेट हो रहा है लेकिन मैं डालता रहता हूँ ऐसे वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।